हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मुझे तो सब कुछ आता है, एसी में हर एक चीज़ मैं काम कर लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर कैपेसिटर और पीसीबी वगैरह सब मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कंप्रेसर चेंज करना मालूम नहीं है, मुझे ब्रेजिंग नहीं आता है। तो कृपया आप ब्रेजिंग के ऊपर वीडियो बनाएं कि कैसे ब्रेजिंग किया जाता है और ब्रेजिंग करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही है कि कंप्रेसर को हम कैसे ब्रेजिंग करेंगे और ब्रेजिंग करने के लिए क्या क्या सावधानियां होना चाहिए। और बहुत सारे नए टेक्नीशियन हैं जिनको कुछ काम मालूम होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर कैपेसिटर वगैरह तो चेंज कर लेते हैं और पीसीबी भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन सबसे इसमें हार्ड वर्क होता है कंप्रेसर चेंज करना। दोस्तों, ये जो मेरे सामने आप कंप्रेसर देख रहे हैं, ये कंप्रेसर ख़राब हो गया है। देखने में तो नया लग रहा है, लेकिन ये ख़राब हो गया है और मैं दूसरा कंप्रेसर भी लेके आया हूँ। ये कंप्रेसर है जो मैं चेंज करने वाला हूँ। ये 1.5 टन का कंप्रेसर है, ये इसका मॉडल नंबर है और LRA 52 है। 1.5 टन का ये कंप्रेसर है, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। दोस्तों, जो एसी लाइन में काम करता है, मतलब काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, 2 साल 4 साल, वो तो कंप्रेसर आसानी से चेंज कर लेता है। और बहुत सारे जो टेक्नीशियन है जो हाल फिलहाल अभी काम को सीख रहे हैं, जिसका 2 महीने हुआ, 1 साल हुआ, किसी आदमी का 2 साल हुआ, अभी तक वो कंप्रेसर चेंज नहीं कर पाते हैं, ब्रेजिंग नहीं मार पाते हैं। तो दोस्तों, ब्रेजिंग मारना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नॉर्मल बात भी नहीं है। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, अगर आप पुराने हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी काम करने से पहले आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कंप्रेसर को निकाल रहे हैं, तो एक बार में तो आप सीखेंगे नहीं, कंप्रेसर एक बार में निकाल के लगा नहीं देंगे, आपसे हो ही नहीं पाएगा। तो अपने हाथों पर कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ब्रेजिंग मारेंगे तो आपके हाथ ऐसे कंपन करेगा, मतलब हिलेगा। तो सबसे पहली बात, आपने हाथों पे कंट्रोल करना है, आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। अभी मैं ब्रेजिंग करके दिखाने वाला हूँ, ये कंप्रेसर को निकालूँगा, नया कंप्रेसर लगाऊँगा और तरीका क्या है, कैसे ब्रेजिंग मारा जाता है, वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये 2 टन, 2.5 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन का जो कंप्रेसर होता है, मैं ये जो सिलेंडर के साथ नोजल आता है, यानी उसको मैप गैस बोलते हैं, मैप सिलेंडर बोलते हैं, मैं उसी से कंप्रेसर को चेंज करता हूँ। जैसे 6 टन, 10 टन, 12 टन, 20 टन का जो कंप्रेसर होता है, उसके लिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, तो उससे हो पाता है। तो बहुत छोटा कंप्रेसर है, 1.5 टन का कंप्रेसर है जो आप देख रहे हैं। तो मैं ए वाले सिलेंडर से मैं चेंज करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये सिलेंडर भी बहुत पावरफुल सिलेंडर है, आपके 4-5 टन का जो कंप्रेसर वो आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ एक ये नोजल दे दिया है, थोड़ा बड़ा नोजल है, ये बड़ा नोजल है तो आसान होता है, मतलब अपने यहाँ इंडिया में तो ऐसा चीज़ मिलता है, लेकिन नोजल बड़ा नहीं मिलता, वो सिलेंडर के साथ लगा रहता है। तो ये नोजल बड़ा है तो हम गैस सिलेंडर के जो इसका मैप गैस हम कहीं रख के आसानी से हम गैस कंप्रेसर को निकाल सकते हैं और ब्रेजिंग मार सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों ये गैस जो है ये हीट थोड़ा टाइम तक करता है, मतलब ये हीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये एसिटिलीन ऑक्सीजन की तरह पाइप गर्म हो गया और हम पाइप को निकाल लिए, तो इससे थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको हम फास्ट करने के लिए, जैसे कंप्रेसर को निकालने के लिए, कि हमारा कंप्रेसर का जो ये पाइप है वो जल्दी से गर्म हो जाए और पाइप निकल जाए और फिर पाइप लग जाए, उसके लिए एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जो चीज़ आप लगाएंगे तो उसे आपका पाइप जल्दी गर्म भी होगा और पाइप जल्दी से निकल भी जाएगा। दोस्तों, ऐसे एक लोहे की ज़रूरत पड़ेगा, अगर ये किसी भी आकार में हो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि अगर इस आकार में रहेगा तो और अच्छा है, क्योंकि ये जो लोहा है इसको ऐसे पीछे से लगाने का है। जब हम पीछे से लगाएंगे और यहाँ हीट करेंगे तो जो हीट बाहर जाएगा या लोहे से टच होगा, वो हीट फिर से बैक वाले पाइप को जल्दी से गर्म करेगा। जब पाइप जल्दी से गर्म होगा तो ये पाइप हम नोज प्लायर से ऊपर से खींचेंगे,
तो आसानी से निकल जाएगा। और सेम ऐसे भी करना है। और दोस्तों ब्रेजिंग मारने से पहले आपका डिस्टेंस जो है ये यहाँ पे लगाने गर्म करने से पहले आपको डिस्टेंस तय करना है कि कितने डिस्टेंस कितने इंच पे हम ब्रेजिंग मारेंगे तो मेरा पाइप गर्म होगा। दोस्तों ये डिस्टेंस जो होता है आप एक इंच रख सकते हैं। अगर एक इंच के दूरी पे रख के अगर पाइप को गर्म करेंगे तो आपका ये जो पाइप है आसानी से निकल जाएगा। एक से डेढ़ इंच तक ही रखना है। अगर इससे ज़्यादा आप दूर कर देंगे तो पाइप आपका गर्म जल्दी नहीं होगा, और ज़्यादा नज़दीक कर देंगे तो भी आपका पाइप जल्दी गर्म नहीं होगा। तो अपने हिसाब से आप तय करेंगे कि कितने डिस्टेंस पे रखना है। मैं जो ब्रेजिंग मारता हूँ एक से डेढ़ इंच की दूरी पे होती है मेरा नोजल, और उसके बाद मैं पाइप को करता हूँ गर्म। दोस्तों ये मैं आप देख सकते हैं मैं इसको जला दिया हूँ, और आपको इस एरिया को देखना है। देख सकते हैं मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एक से डेढ़ इंच की दूरी पे होता प्रॉपर हीट करना। जब तक आप प्रॉपर हीट नहीं करेंगे आपका ना ही ब्रेजिंग लगेगा और ना ही ब्रेजिंग निकलेगा। ये पाइप निकालने के लिए आपको प्रॉपर हीट करना बराबर हीट करना पड़ेगा। जब बराबर हीट हो जाएगा ऑटोमेटिक वो पाइप ऊपर की तरफ निकल जाएगा। दोस्तों ये कंप्रेसर को निकालने के बाद अभी मैं फ्लश करूँगा। फ्लश करने के बाद जब मैं कंप्रेसर लगाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि कैसे। दोस्तों मैं फ्लश करने के बाद एक कंप्रेसर को लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें मारूंगा ब्रेजिंग। अब यही सबसे बड़ी चीज़ होती है ब्रेजिंग। बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो मार नहीं पाते हैं, तो ब्रेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ब्रेजिंग कि कितना टाइम तक हीट करना है और कैसे ब्रेजिंग रड को साइड में घुमाना है ताकि वो आराम से ब्रेजिंग हो जाए। दोस्तों एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो ये कर रहा हूँ लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब मेरा दोनों हाथ एक हाथ में नोजल रहेगा एक हाथ में रड रहेगा तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह वीडियो बनाने के लिए।
तो मैं ब्रेजिंग मार दिया दोनों में, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, वीडियो बनाना भी था और ब्रेजिंग भी मारना था। और दूसरी बात, जब हम वीडियो बनाने लग जा रहे थे तो पाइप गर्म नहीं हो पा रहा था। आपको पहले ही मैं बताया था, उस साइड से कुछ लोहे का कुछ टिन वगैरह लगाना पड़ता है ज़्यादा जल्दी से गर्म करने के लिए, नहीं तो ये गर्म जल्दी हो नहीं पाता है। अगर आपके पास एसिटिलीन ऑक्सीजन रहेगा तो पाइप जल्दी से वो गर्म हो जाएगा, इसे टाइम लगता है गर्म करने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये पाइप कितने टाइम तक हीट करने के बाद ये पूरा हीट होता है, और जब ये चारों तरफ से एकदम अच्छे से हीट हो जाएगा तो जैसे आप रॉड लगाएंगे आपका रॉड चारों तरफ घूम जाएगा और पकड़ लेगा। ये तो मैं इस मैप गैस से मार रहा था, अगर मैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन के थ्रू अगर मैं ब्रेजिंग करता तो एक बार गर्म करने के बाद हम रॉड लगाते तो पूरा रॉड चारों तरफ घूम जाता। आपका हाथ बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, और जहाँ आपको हीट भी आपको देखना है कि हीट कहाँ करना है। अगर ये ना कि पाइप का नीचे ज़्यादा हीट कर दिए तो दिक्कत है, पाइप को ऊपर ज़्यादा हीट कर दिए वो भी दिक्कत है। आपको हीट कहाँ पे करना है, थोड़ा पाइप के नीचे भी हो और पाइप के ऊपर भी हो, यानी दोनों हमारा पाइप गर्म रहे, ताकि हम पाइप ऊपर से लगाएं तो पाइप अंदर घुस जाए। जब इस सिचुएशन में आप पाइप को गर्म करेंगे तो पाइप भी अच्छे से उसमें जाएगा और उसके बाद से ब्रेजिंग भी अच्छे से लग जाएगा। दोस्तों, तो ऐसे ब्रेजिंग किया जाता है कंप्रेसर। आई होप आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों।